तुर्की में आम चुनाव से पहले वहां की सत्ताधारी पार्टी की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह अर्दोगान और असद की मुलाकात हो जाए। तुर्की के विदेश मंत्री मौलूद चावुशओग्लू ने अर्दोगान और असद के बीच मुलाकात को जरूरी बताया है। ओग्लू का मानना है कि अर्दोगान और असद की मुलाकात के लिए जरूरी कदम उठाना चाहिए। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि तुर्की के आम चुनाव से पहले दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो जाएगी। एक तरफ तुर्की असद से मुलाकात के लिए भरपूर बयानबाजी कर रही, दूसरी तरफ दमिश्क की ओर से साफ शब्दों में कहा जा चुका है कि सीरिया की धरती से तुर्की के सैनिकों की पूरी तरह से वापसी हो तभी अर्दोगान और असद की मुलाकात हो सकती है। सीरिया के सीनियर अधिकारी कह चुके हैं कि जब तक यह शर्त पूरी नहीं होती उस समय तक असद और अर्दोगान के बीच मुलाकात नहीं हो सकती। गौरतलब है कि रूस की मेजबानी में कल ईरान, सीरिया और तुर्की के रक्षा मंत्रियों की बैठक होने जा रही है, जबकि कुछ वक्त पहले ही रूस में इन चारों देशों के उप विदेश मंत्रियों की बैठक हो चुकी है।